नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। टोक्यो गेम्स ओलंपिक 2020 में इतिहास में पहली बार एथलीट में भारत की झोली में गोल्ड डालने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा टीवी के लोकप्रिय शो KBC 13 में नजर आने वाले हैं। साथ ही पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी भी पी श्रीजेश भी शो में दस्तक देंगे। चैनल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शो से जुड़ी एक झलक शेयर की है। बिहार में लोजपा में टूट के बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस आज पहली बार भतीजे चिराग पासवान के पटनावास पर पहुंचे हैं। पशुपति पारस यहां अपने बड़े भाई दिवंगत रामविलास पासवान के बरसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। वहीं आवास पर बरसी पर होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम को भी किया गया। शनिवार रात दीपिका पादुकोण को बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु के मुंबई के वर्ली में एक रेस्टोरेंट से बाहर स्पॉट किया गया। इस दौरान दोनों काफी खूबसूरत और ग्लैमरस लग रही थी। वायरल तस्वीरों और वीडियो में दीपिका पादुकोण ने ब्लैक ट्राउजर और व्हाइट सैटन फुल बेल स्लीव टॉप पहन रखा था। वहीं पीवी सिंधु ने व्हाइट कलर की फ्रंट स्लिट ड्रेस पहनी हुई थी। बिहार में कांग्रेस की नई कमेटी और अध्यक्ष पद पर फिलहाल अनिर्णय की स्थिति है। राज्य प्रभारी भक्त चरण दास ने पार्टी आलाकमान की अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और नई कमेटी की जो सूची सौंपी है वो हाईकमान के एतराज के साथ वापस हो चुकी है। राज्य प्रभारी ने कमेटी की नई सूची तैयार कर स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप दी है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने विजय रूपाणी के इस्तीफे को लेकर अलग ही दावा किया है। हार्दिक पटेल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और भाजपा के आंतरिक सर्वे में हार मिलती देख रूपाणी को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव में अब 15 महीने से भी कम का समय बच गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में इस बार IIT पटना ने अच्छा प्रदर्शन किया है। NIRF की रैंकिंग में 51वां स्थान प्राप्त हुआ है और IIT पटना ने ओवरऑल रैंकिंग में बढ़ोतरी हासिल की है। NIRF की रैंकिंग में शामिल होने पर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शिक्षा मंत्रालय को बधाई भी दी है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सीटों को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक ओर जहां शिवसेना की उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि पार्टी यूपी की 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि पार्टी 100 सीटों के आसपास ही चुनाव लड़ेगी। यूनाइटेड नेशंस ने आज भारत के लिए खुशखबरी दी है क्योंकि उन्होंने अपने बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में भारत के 3 गांव को शामिल किया है। इसमें मेघालय के कोंथोंग और गांव के साथ ही मध्य प्रदेश के लातपुर खास और तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को शामिल किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने महामारी को देखते हुए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को बढ़ा दिया है। अब नौकरी गंवाने वाले लोगों को 30 जून 2022 तक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह उन बीमित व्यक्तियों को 3 महीने के लिए कुल वेतन का 50% बेरोजगारी भत्ता देने की योजना है जो किसी भी कारण से अपनी नौकरी खो देते हैं। देश के 50 आकांक्षी जिलों में MSME मंत्रालय अपनी सभी प्रमुख स्कीमों को शुरू करने जा रहा है। इनके मुख्य रूप से उन जिलों में औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना को लेकर के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। कीर्ति सैनन ने अपने लिए मर्सिडीज की मेबैक GLS 600 कार खरीदी है जिसकी कीमत 2.43 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ब्रांड न्यू कार खरीदने के साथ ही कीर्ति भारत की पहली ऐसी एक्ट्रेस भी बन गई है जिनके पास मर्सिडीज की मेबैक GLS 600 कार है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 243 पदों की भर्ती निकाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ITI अप्रेंटिसशिप के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ECIL.co.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन आसानी से कर सकते हैं। लोजपा के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाने की मांग लगातार हो रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बाद भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी रामविलास की प्रतिमा लगाने की मांग कर दी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत औद्योगिक श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत ने रविवार को बांदा में कहा कि वो सोशल मीडिया में सरकार से हार रहे हैं। उनके पास ट्विटर है तो हमारे पास जवाब देने का हथियार ट्रैक्टर और टैंकर है। उन्होंने कहा युवा किसानों से सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने की अपील है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा राष्ट्रीय और जनहित मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला लेती है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने को लेकर भाजपा सरकार का समर्थन करने के सवाल पर कहा कि यह डॉक्टर अंबेडकर की सोच के अनुरूप था। भाजपा भी इस कदम से हैरानी थी, उन्हें भी इस को लेकर कुछ नहीं पता था कि हम इस कदम का समर्थन करने जा रहे हैं। रायबरेली में पार्टी मीटिंग के लिए भुईमऊ गेस्ट हाउस प्रियंका गांधी पहुंच गई है। प्रियंका अब इस पार्टी मीटिंग में पहुंचकर पार्टी की स्थिति को लेकर चर्चा करेंगी, साथ ही पार्टी नेतृत्व को लेकर भी बातचीत हो सकती है।
आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अरविंद केजरीवाल को फिर से राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि रविवार को हुई मीटिंग में पदाधिकारियों ने सीएम केजरीवाल पर एक बार फिर से भरोसा जताया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पंकज गुप्ता को सचिव तो एनडी गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि पूरी तरह से टीकाकरण करवा चुके लोगों के लिए कोविड से जान गंवाने की संभावना 11 गुना कम और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 10 गुना कम है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह दावा डेटा रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा प्रकाशित 3 नए पत्रों में से एक में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर किया है। देशभर के सबसे अधिक केस इस दक्षिणी राज्य से ही सामने आ रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में राज्य में 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 177 लोगों की केरल में सिर्फ जान गई है। वहीं बीते दिन कोविड 19 के 33,376 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,32,08,330 पर पहुंच गया है। वहीं 308 लोगों की जान भी गई है। IRCTC 18 सितंबर से भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर शुरू करेगी और इसकी बुकिंग इसकी वेबसाइट पर की जा सकती है। IRCTC ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक बयान में कहा है कि IRCTC ने भारत में पहले स्वदेशी लग्जरी क्रूज के प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए मेसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से संचालित कार्डियोली क्रूज के साथ हाथ मिलाया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी टेस्ला को रियायत देने के लिए एक शर्त सामने रखी है। भारी उद्योग मंत्रालय ने कंपनी से कहा है कि वो पहले भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण शुरू करे, उसके बाद ही उसे टैक्स में छूट देने पर विचार किया जा सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 का दूसरा हिस्सा 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। IPL के ब्रॉडकास्टिंग का अधिकार रखने वाली स्टार स्पोर्ट्स ने सीजन 14 के दूसरे हिस्से के लिए अपनी कमेंट्री टीम का ऐलान कर दिया है। इंग्लिश हिंदी के अलावा स्टार स्पोर्ट्स ने अन्य भाषाओं के लिए कमेंट्री टीम रख ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और नौकरियों पर संकट को लेकर केंद्र सरकार पर ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ऐसा विकास किया है कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया गया है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन की तीसरी यानी बूस्टर डोज को हरी झंडी मिल सकती है। जल्द ही इस बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फैसला ले सकता है। दरअसल रिसर्च में पता चला है कि वैक्सीन लेने वाले 20% लोगों में कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडी खत्म हो गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान मध्यम से भारी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं बीते दिन दिल्ली से सटे राज्यों में बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के अनुसार आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्राहक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर ले। इसके लिए बैंक की तरफ से 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है। बैंक का कहना है कि ग्राहक अगर समय रहते यह काम नहीं कर लेते हैं तो उन्हें आने वाले समय में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने बीते शनिवार कोर्ट से जुड़ी चीन की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि वास्तविकता को गलत ढंग से पेश न किया जाए। जयशंकर ने यह बात भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान कही है। पैरालंपिक के चैंपियन खिलाड़ी से पीएम मोदी ने किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पैरालंपिक 2020 के चैंपियन भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। भारत ने इस पैरालंपिक में 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शिक्षक की पुस्तक देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों तक पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया के 73 से अधिक अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए उनकी पुस्तक छात्रों के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अनवर हुसैन, ओमकार सिंह, मुकेश कुमार, सर्वेश कुमार, संतोष ठाकुर, इंडिया एक्सप्रेस, मिथिलेश कुमार, रामाशीष पाल, चिंटू कुमार, राजू प्रजापति, निर्मल दास, दीपेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी IPL में किस टीम के जीतने के सबसे ज्यादा आसार है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दोबारा ना भूलें। धन्यवाद।